सर हमने देखा कि एनओसी के मुताबिक तो वक्त पूरा हो चुका है अभी वेट करो अभी करा रहे हैं गौर साहब जी अस्सलाम वालेकुम हाजिर गौर साहब आप इसको बंद करके दोबारा से मेरी को जी इस वक्त हम देख सकते हैं कि कंटेनर्स और साहब भी नीचे आ चुके हैं अपनी स्टडी में उन्हें लेकर नीचे आया जा रहा है देख सकते हैं जी बैरिस्टर गौर जो नीचे आ चुके हैं जी बैरिस्टर गौर साहब को इस वक्त हमने देखा कि पुलिस ने पकड़ लिया बैरिस्टर गौर को पुलिस ने पकड़ लिया गिरफ्तार कर लिया गया बैरिस्टर गौर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है बैरिस्टर गौर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है हमने देखा कि जब पहले उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो कारकुनान उनके पास आ गए और कारकुनान ने रोकने की कोशिश की अभी जो एसपी मॉडल टाउन है और बैरिस्टर गौहर के दरमियान बातचीत जारी है हम देख सकते हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर और एसपी मॉडल टाउन के दरमियान बातचीत जारी है और एनओसी के मुताबिक इस वक्त जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और जनरेटर जो हैं जैसा कहा गया वो भी बंद कर दिए गए हैं और साउंड सिस्टम लाइट सब कुछ बंद कर दिया गया ये इस वक्त के लाइव मनाजिर हैं जो कि आपको लीडरशिप के कंटेनर के नीचे से मनाजिर दिखा रहे हैं बराह रास्त आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर गौहर नीचे आ चुके हैं और एसपी मॉडल टाउन उनसे बातचीत जारी है हम बैरिस्टर साहब से बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है और हम सारे उनसे कोशिश करेंगे बात करने देखो हम मुनासिब नहीं समझते इन्होंने जलसा डिलेट करवाया बरे नहीं इनका कहना यही है कि आपका टाइम ऑफ है हम देखते साहब ने कहा कि अभी एनओसी के मुताबिक तो वक्त ख़त्म हो गया बातचीत चल रही है हम मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कोशिश हो रही है बातचीत की कि अगर वक्त ज़्यादा मिल जाए अगर अलीमीन घंटापुर की बात की जाए तो वो रास्ते में सर आप लोग बेफिक्र हो जाए सर क्या कहेंगे मेरे साथ देखिए पंजाब ने लाहौर ने बहुत लोग निकले हैं लेकिन ये जगह ऐसी दी गई है देखिए यहाँ पे ये जगह ऐसी है पाकिस्तान में काफी सारे लोगों को पकड़ा है यहाँ पे लाहौर के अपने लोगों को इस जगह का नहीं पता बहुत दूर जगह दी है और अभी कह रहे हैं खत्म करें अभी 6 बज गए हमें बताइए क्या चारों तरफ पे प्रिजन वैन मौजूद हैं हमने देखा कि बैरिक बंद गाड़ियां मौजूद हैं क्या गिरफ्तारी के चांसेस हैं साहब क्या गौर साहब क्या क्या मसला गौर साहब बोले गौर साहब ये क्या मसला है गौर साहब बोले जी इस वक्त इंतजामिया और पुलिस के दरमियान बातचीत चल रही है हम मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं ऊपर फैसल दवे साहब भी जो हैं वो भी नीचे उन्हें बुलाया जा रहा है वो भी नीचे आ रहे हैं फैसल दवे साहब को भी नीचे बुलाया जा रहा है जी अब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं इस वक्त जलसागाह से बाहर आ रहे हैं अब बैरिस्टर गौहर साहब से बात करने की कोशिश करते हैं कि सर पीछे हो जाओ यार पीछे हो जाओ भाई पीछे हो जाओ यार
जगह दे दो, एक साइड पर हो जाओ। आप आगे से हटे भाई, रास्ता छोड़े, आप छोड़े, गाड़ी में बैठे, आप रास्ता छोड़े, नहीं बैठे, अपनी गाड़ी में बैठे सर, ये किसी और की गाड़ी है। पिछड़ जाओ यार, ये माइक छोड़ दे,